पन्ना क्रमांक 108 लुका रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 10 से 13 मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में मनुष्य रूप में थे तब उन्होंने परमेश्वर का कार्य इस संसार में किया। परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का मन, परमेश्वर का हृदय लोगों को बताया कि लोगों के विषय में परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर क्या करना चाहता है, आप क्या ऐसा करें कि परमेश्वर आपके विषय में प्रसन्न हो जाए, आप क्या ऐसा करें कि परमेश्वर की कृपा जो स्वर्ग से अमर्यादित रीति से बह रही है उस कृपा में आप कैसे आ जाए, इस सब के विषय में प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे। उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत से चिन्ह चमत्कार होते थे, अद्भुत काम होते थे, लोग इसकी गवाही अपने नगर, अपने गांव, अपने लोगों में देते थे। तो वहां के लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए भीड़ किया करते थे, यीशु मसीह को छूने के लिए, यीशु मसीह को स्पर्श करने के लिए। और ऐसा होते होते जबकि प्रभु यीशु मसीह संसार में परमेश्वर का कार्य करने के लिए तथा समस्त मनुष्य जाति की पापों की क्षमा के लिए वो सलीब पर अपना प्राण अर्पण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, और वे इस संसार में जब कार्य कर रहे थे तो एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव, एक प्रांत से दूसरे प्रांत प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार फैलाते थे। और ऐसी ही एक घटना बाइबल में लिखी है जो आज हमने पढ़ी। लिखा यो गया है कि शब्द के दिन प्रभु यीशु मसीह किसी एक आराधनालय में, किसी एक नगर के आराधनालय में उपदेश दे रहे थे। उपदेश यानी परमेश्वर की बातें वो बता रहे थे, स्वर्ग की बातें जो कोई मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं बता सकता। ऐसी गहरी बातें, ऐसा गहरा भेद, ऐसा गहरा न्याय ज्ञान जो कोई मनुष्य नहीं बता सकता, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि से समझने वालों में से नहीं है। परमेश्वर को समझने के लिए आपको विश्वास चाहिए, परमेश्वर को समझने के लिए आपको आत्मा, आपका आत्मा, आपकी आत्मा जीवित होनी चाहिए, तो ही आप परमेश्वर को भली भांति समझ सकते हैं। और इसी रीति से अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचनों को बताते थे, क्योंकि वचन मनुष्य को जीवित रखते हैं। और लोग वे वहां पर सुन रहे थे, यीशु मसीह उपदेश कर रहे थे। तो एक घटना ऐसी होती है कि यीशु मसीह उपदेश कर रहे हैं, उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह की नज़र एक औरत पर, एक नारी पर, एक स्त्री पर जाती है। उस स्त्री के विषय में बाइबल ये पहचान करवा कर देती है कि वह स्त्री को अशुद्धात्मा है, दुष्ट आत्मा की तकलीफ है, और इस दुष्ट आत्मा की तकलीफ के कारण यह औरत बहुत ही जर्जर बन चुकी है। 18 वर्ष से उसे वो तकलीफ है, 18 वर्ष से उस दुष्ट आत्मा की पीड़ा के कारण वे कमजोरी महसूस कर रही है, तथा उस कमजोरी के कारण वो कुबड़ी बन चुकी है, वो हमारे जैसे सीधे नहीं रह सकती, ऐसी उसकी पहचान करवा कर दे रही है। उस दिन जब यीशु मसीह उनके नगर में उस आराधनालय में आए थे उपदेश करने के लिए, तो वहाँ पर वे मौजूद थी। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उपदेश कर रहे हैं और उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह की नज़र उस स्त्री पर जाती है जो 18 वर्ष से पीड़ित, दुष्टात्मा से पीड़ित है, 18 वर्ष से कमजोरी में है, 18 वर्ष से सीधी खड़ी, किसी बाइबल बताती है किसी रीति से वो सीधी नहीं हो पाती थी, इतना कुबड़ापन उसको आ चुका था। और उस पर यीशु मसीह की नज़र जाती है, यीशु मसीह अपने उपदेश को ठहराते हैं और इस स्त्री को अपने पास बुलाते हैं और स्त्री से कहते हैं कि तू अपनी पीड़ा से मुक्त हो चुकी है। यीशु मसीह उस पर हाथ रखते हैं, उसी घड़ी, उसी क्षण 18 साल की वो पीड़ा से मुक्त हो जाती है। उसी घड़ी, उसी क्षण वो 18 साल की पीड़ा से मुक्त हो जाती है। क्या मुक्ति होती है? दुष्टात्मा की पीड़ा से मुक्त होती है। वो कमजोरी से बाहर आती है, तथा उस कमजोरी के कारण जो वो सीधी नहीं रह पाती थी, वो अभी यीशु मसीह के हाथ रखने से तथा यीशु मसीह के सामर्थ्यपूर्ण शब्द से वो अभी सीधी खड़ी हो पा रही है।
वो अपने जीवन में बहुत ही बड़ा अनुभव कर चुकी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा उसके जीवन पर अनुग्रह हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा उसने चंगाई को प्राप्त किया है, यीशु मसीह के द्वारा उसने दुष्ट आत्मा की पीड़ा से मुक्ति का अनुभव किया है। एक बहुत बड़ी गवाही वहां पर घटी शब्द के दिन, आराधनालय के दिन, जैसा हमने पढ़ा, हमको अच्छा लगा। बाइबल बताती है जबकि यीशु मसीह ने उसको चंगा किया तो वह परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, वह परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। आज के वचन में आखिरी का शब्द यही है कि वह परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, वह धन्यवाद देने लगी। बहुत अच्छी बात है, हमको इस बात से बहुत अच्छी सीखने को मिलती है। लेकिन आज पवित्र आत्मा की ज्योति में हम एक और गहरे भेद को समझेंगे कि घटना हमें क्या बताना चाहती है, पवित्र आत्मा हमें क्या बताना चाहता है। 18 साल से वह औरत बीमार है, 18 साल से, 18 साल से उसको दुष्ट आत्मा की पीड़ा है, उसी कारण वो कमज़ोर है। इतनी कमजोरी कि वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती, उसको 18 साल से कुबड़ापन है, ऐसी वो औरत है। और बाइबल बताती है कि वो आराधनालय में जाकर आराधना किया करती थी, कि यीशु मसीह वहाँ पर उपदेश कर रहे हैं। यीशु मसीह किसी गांव में, किसी नगर में ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरते थे, क्योंकि उनको सारे गांव में जाना था, परमेश्वर के बारे में हर एक लोगों को बताना था। इसलिए वो किसी गांव में ज़्यादा दिन नहीं रहते थे, एक गांव में 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं रहते थे। तो ऐसा नगर नगर जाते जाते, एक गांव जाते जाते, एक दिन उस गांव का भी समय आया जिस गांव में वो औरत रहा करती थी, या जिस गांव की आराधनालय में वो औरत प्रार्थना के लिए आया करती थी। यह ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी एक दिन अचानक से वहाँ पर प्रार्थना के लिए गई थी, नहीं। बाइबल बताती है जबकि वो चंगी हो गई, जबकि वो अपनी बीमारी से जिस उसने निजात पाई, तो वो परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी, परमेश्वर की स्तुति करने लगी। इसका मतलब वह आत्मा में जीवित है, उसकी आत्मा, उसको आत्मा की बातें पता है कि यदि परमेश्वर के द्वारा यदि हमारे जीवन में कुछ होता है तो हमें पहले, सबसे पहले धन्यवादित होना है। ये बात वो जानती थी, ये बात उस बात के बारे में स्पष्टीकरण देती है, पुष्टि करती है कि वह औरत आराधनालय में आया करती थी। वह औरत आराधनालय में आती थी, और इसी कारण एक दिन ऐसा भी हुआ कि यीशु मसीह उसी आराधनालय में आए और उसने वहाँ पर उपदेश दिया। उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह की नज़र उसके ऊपर पड़ी, तब वो अपनी बीमारी से चंगी हो पाई। तो हम इससे क्या सीखते हैं? एक औरत जो 18 साल से पीड़ा में है, एक औरत जो 18 साल से दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, एक औरत जो अपनी 18 साल से कमजोरी में है, कुबड़ेपन में है, जो हमारी तुम्हारी तरह सीधे नहीं रह सकती, एक कुबड़ी औरत चलकर आती है, जब वो बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। एक साधारण इंसान को जैसे वो चलता है वैसे कुबड़ी औरत नहीं चलती, उसको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। वो 18 साल से लगातार आ रही है, 18 साल से उसने 18 साल परमेश्वर में लगातार ही बनाए रखी, 18 साल वो परमेश्वर में अपने को बनाए रखी, 18 साल उसने परमेश्वर में विश्वासी बनी रही। ये हमें सीखना है। बहुत से लोग जब भी बुखार आता है प्रार्थना करना छोड़ देते हैं या प्रार्थनालय में आना छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, वो औरत कमजोर थी, बाइबल बताती है वो कमजोर थी, दुष्ट आत्मा की पीड़ा के कारण वो औरत कमजोर थी, और कमजोरी होते हुए भी वो 18 साल प्रार्थना में आ रही है। दुष्ट आत्मा की पीड़ा होते हुए भी वो 18 साल प्रार्थना में आ रही है, वो 18 साल से कुबड़ेपन को महसूस करते होते हुए भी वो 18 साल से प्रार्थना में आ रही है, और उसका लगातार ही प्रार्थना में आना इस बात को साबित करता है कि उसका परमेश्वर पर प्रेम है, और उसी परमेश्वर का जवाब, परमेश्वर ने जवाब दिया। जब हम परमेश्वर पे प्रेम दिखाते हैं, जब हम परमेश्वर पे अपना प्यार जताते हैं, तो परमेश्वर भी हमें प्रतिसाद देता है, और ऐसा ही हुआ। 18 साल की लगातारी के कारण परमेश्वर ने अपने उपदेश को बीच में रुकाया। प्रभु यीशु मसीह उस आराधनालय में उपदेश कर रहे थे, उसी दौरान उस पर नजर पड़ी, उस औरत पर नजर पड़ी, उस स्त्री पर नजर पड़ी, उपदेश को रुकाया और उसको अपने पास बुलाया। जबकि परमेश्वर की उस पर नजर पड़ी तो परमेश्वर ने 1 सेकंड नहीं लगाया, परमेश्वर ने कुछ मिनट नहीं लगाए, परमेश्वर ने जैसे ही नजर पड़ी, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तू अपनी पीड़ा से मुक्त हो चुकी है। उस पर हाथ रखा, उसी घड़ी, उसी क्षण वो अपने जीवन में चंगाई को पाती है। 18 साल से लगातारी में आना ये बहुत महत्वपूर्ण है। 18 साल से लगातार आ रही है, 18 साल उसके प्रार्थना का उसको जवाब नहीं मिला होगा, 18 साल वो अपनी कमजोरी में उसने कुछ निजात नहीं अनुभव किया होगा, कुछ आराम नहीं अनुभव किया होगा, फिर भी वो आ रही है। उसे नहीं पता था कि यीशु मसीह आएंगे करके, उसे केवल ये पता था कि आज आराधना का दिन है। इसलिए बाइबल में इस वचन में पहला लिखा गया शब्द के दिन। ये बात पर ये बाइबल हमें ये बताना चाहती है कि वो आराधनालय में नियमित रूप से प्रार्थना में आती थी,
उसको ऐसे ही लगे कि आज भी मुझे प्रार्थना के लिए आराधना के लिए जाना है। उसे ये नहीं पता था कि परमेश्वर का पुत्र उस आराधनालय में आएगा, उपदेश करेगा, उसकी मेरे ऊपर नजर पड़ेगी, वो मुझे अपने पास बुलाएगा, मेरे पर हाथ रखेगा, मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसको नहीं पता था। उसको ऐसा ही पता था कि आज आराधना का दिन है, मुझे जाना है, क्योंकि मैंने परमेश्वर से वायदा किया है या परमेश्वर पर ये मेरे प्यार जताने का तरीका है। ये पहले से ही उसका सब कुछ सिस्टम सेट था। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता, आजकल के विश्वासी लोगों का ऐसा नहीं होता। आराधना का दिन है लेकिन बुखार आया है, हम नहीं जाएंगे। हमारा कुछ प्रॉब्लम आया है, हम नहीं जाएंगे। हमारा कुछ ये है, हम नहीं जाएंगे। लगातार ही बनाए रखना है। यदि प्रार्थना का उत्तर आए तो भी, नहीं आए तो भी। इस औरत के समान 18 साल से, आपको क्या लगता है ये 18 घंटे नहीं है, 18 महीने का बात बोला नहीं गया है इसमें, 18 साल बोला गया है। 18 साल लगातार को बनाए रखना, ये अपने आप में बहुत ही विस्मित बात है, अपने आप में बहुत ही विस्मित बात है। आप गहराई से समझेंगे तो आपको पता चलेगा। 18 साल से कुबड़ा, जैसे कि वो लगातारी से कमजोर होते हुए भी वो प्रार्थना में आ रही है। पैर दुखता है, लोग प्रार्थना में आना छोड़ देते हैं, ये होता है वो होता है, प्रार्थना में आना छोड़ देते हैं। आपको ऐसा छोड़ना नहीं है। कुछ समस्या आती है, अचानक से कुछ संकट आता है, अचानक से कुछ परेशानी आती है, प्रार्थना के दिन को बाईपास करते हैं, आराधना के दिन को बाईपास कर दे। जो आपने परमेश्वर से वायदा किया है या परमेश्वर ने आपके लिए जिस दिन को ठहराया है कि इस दिन तुम प्रार्थना में आना है, इस दिन मैं आत्मिक मेज को सजाऊंगा, तुम उधर आना, मैं तुमको आत्मा का भोजन खिलाऊंगा और तुम्हें स्वर्ग के राज्य के लिए पात्र ठहराऊंगा। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता। हम कभी कभार ये 18 साल से लगातारी में है, 18 साल से लगातारी में है। आपकी लगातारी क्या है? आपकी लगातारी, यदि आपको किसी ने पूछा कि आपने उपवास प्रार्थना कब की थी, हाँ गए महीने में ऐसा मेरा मूड हुआ ना तभी मैं उपवास प्रार्थना किया था। प्रार्थना कब किया था? 2 घंटा तुम कभी प्रार्थना में बैठे थे? हाँ। वो 4 महीना पहले मेरे को तकलीफ हुई थी तब मैं 2 घंटा बैठा था। ये है क्या लगातारी? बाइबल कभी पढ़ा था? वो मेरे को जब छुट्टी था 6 महीना पहले, तब मेरे को ऐसा कुछ मूड हो गया तो मैं बाइबल पढ़ लिया। उसके बाद में टाइम ही नहीं है। ये लगातारी है क्या? लगातारी आपकी बने रहनी चाहिए। आज 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 रविवार का दिन है, आपका परमेश्वर ने ठहराया हुआ ये दिन है। आज आप प्रार्थना में आए हैं तो आपको पूछा जाए क्या आप लगातारी से आते हैं? नहीं, मेरे को जब भी टाइम मिलता है तभी मैं आता हूँ। नहीं, ये परमेश्वर ने यदि आपके लिए दिन को ठहराया है या आपके लिए इस दिन को परमेश्वर ने नियुक्त किया है तो आपको उसी समय उसी घड़ी वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। उस 18 साल से बीमारी से पीड़ित स्त्री और आराधनालय में शब्द के दिन जाती थी, इसलिए उसके विषय में जब जिक्र किया गया तब बाइबल बताती है कि शब्द के दिन आराधनालय में प्रभु यीशु उपदेश कर रहे थे तभी वहाँ पर वो स्त्री थी जो 18 साल से पीड़ित थी। वो लगातारी से रोजमर्रा के जो उसका नियमित आध्यात्मिकता का जो कुछ भी नियम है उसके अनुसार वो प्रार्थना में आया करती थी। ये आपके ऊपर है, ये आप अपनी नियमित लगातारी को बनाए रखें। इस 18 साल से पीड़ित औरत जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगी हो गई, उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें लगातारी में बने रहना चाहिए। जो कुछ भी हो जाए हमें लगातारी में बने रहना चाहिए। अभी तो बारिश का समय नहीं है, लेकिन जब बारिश आता है तो लोग प्रार्थना के सबसे पहले उठते हैं और बादलों को देखते हैं कि बारिश गिरेगी कि नहीं। यदि गिरेगी तो प्रार्थना में नहीं जाने का है। प्रभु से बोलना, अरे प्रभु मेरे को तो आने का है प्रार्थना में, लेकिन बारिश है, ट्रेन लेट होगा, फिर ये गाड़ी नहीं मिलेगा, वो गाड़ी नहीं मिलेगा, ये चालू रहता है। वो मराठी में बहुत सुंदर कविता है, शाड़े भूती तड़े साचून सुट्टी मिलेल का है। तैसे वो जो जिसको कुछ रहता है वो पहला बादलों को देखता है और अपने ही मन में बोल उठता है, अभी तो बहुत ज़्यादा बारिश लगता है, अभी ट्रेन गर्दी होएगा, ये होएगा, ऐसा होएगा, अभी बारिश नहीं, अभी तो परमेश्वर की कृपा है, अभी तो बारिश नहीं है। लेकिन बारिश होती है तो ये चलता रहता है। पैर दुखता है, दाया पैर दुखता है तो प्रभु दाया पैर दुख रहा है तो मैं नहीं आऊँगा अगले टाइम पे। आपकी लगातारी आपको बनाए रखनी है परमेश्वर में, यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर आए या प्रार्थना का उत्तर ना आए। इसलिए बहुत से लोग ये भी कहे उठेंगे कि वो तो औरत थी, 18 साल उसको आना उसको कुछ काम थोड़ी था। हम काम वाला इंसान है, हम काम पे जाते हैं, हमको 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन हम आराम करते हैं, लेकिन उसका क्या है? वो तो 18 साल से आती होगी, उसका थोड़ी कुछ काम धंधा है, उसका थोड़ी कुछ यह है। लेकिन बाइबल बताती है कुरनेलियुस के बारे में, एक वह इंसान जो इटालियन नामक पलटन का एक सूबेदार था। बाइबल जिसके विषय में ये जिक्र करती है कि इटालियन नामक पलटन का वो एक सूबेदार था, इसका मतलब उसके हाथ के नीचे बहुत से सैकड़ों की तादाद में लोग थे, उसके ऊपर वो ठहराया गया था। वो सैकड़ों की तादाद में लोगों को उसको
व्यक्तिगत तौर से उसको नजर रखनी थी, व्यक्तिगत तौर पर उसको देखना था। और बाइबल बताती है कि वह एक भक्त इंसान था, परमेश्वर से डरने वाला या परमेश्वर को अच्छा लगे ऐसा जीवन बिताने वाला वह एक इंसान था। इतना ही नहीं, वरन घराने समेत सब वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। और बाइबल यहाँ तक बताती है कि वो लोगों को मदद भी किया करता था तथा वो बराबरी से प्रार्थना में भी उतरता था। वे ये तो काम का इंसान है ना। वो आप बोलेंगे कि वो 18 साल से आ रही है, उसको तो कुछ काम नहीं होगा इसलिए वो लगातार आ रही है, हम तो काम वाले इंसान है, हमारा तो ये है। तो मैं बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही लिख कर रखा है, पवित्र आत्मा पहले ही ये लिख कर रखता है कि एक ऐसा भी इंसान था जो अपने आप में बहुत बड़ा था, जो पलटन का एक सूबेदार था, जिसके हाथ के नीचे सैकड़ों की तादाद में लोग काम करते थे, जिसको हर एक व्यक्तिगत तौर पर उसको समझना था, उतना ही वो भक्त था, उतना ही वो मदद करता था, उतना ही वो प्रार्थना करता था। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वो प्रार्थना किया करता था, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वो अपने परिवार समेत परमेश्वर का भय मानता था। इसका मतलब वो परमेश्वर की बातें अपने परिवार के सदस्यों के साथ करता था। तो आप बोलेंगे हम तो काम पे जाते हैं, तो बाइबल में ये भी लिखा है कि कुरनेलियस नामक इंसान था जो आपकी तरह काम किया करता था, लेकिन बराबर प्रार्थना करता था, बराबर वो भक्त था, बराबर वो दान किया करता था, या बराबर अपने लोगों से वो परमेश्वर की बातें किया करता था। और उसका हुआ ये कि जब वे प्रार्थना कर रहा था तो बाइबल बताती है कि उसी दौरान एक स्वर्गदूत उसके पास आता है और परमेश्वर के जन से मिलने के लिए उसको बोलता है। तब वहाँ पर पतरस होता है, पतरस को कुरनेलियस के घर पे बुलाया जाता है और पतरस के द्वारा सारे घराने के लिए परमेश्वर के राज्य से उपदेश आता है और वह घराना उद्धार पाता है। एक बहुत ही अच्छी बात उसके लिए होती है, एक VIP ट्रीटमेंट। बाइबल बताती है वो जब रेगुलर प्रार्थना में था, जैसा कि वो रोज किया करता था, और उसकी प्रार्थना के समय में वहाँ पर स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने कहा कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर ने याद किए हैं, इसलिए तू जाकर परमेश्वर के दास को अपने पास बुला कर रहा। क्या कहा उस स्वर्गदूत ने? कि तेरे दान, तेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है, क्योंकि वो रेगुलर प्रार्थना में था। यदि आपकी प्रार्थना के विषय, यदि स्वर्गदूत आपके पास आए तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर याद कर रहा है, ये कैसे बोलेगा? यदि आपने प्रार्थना ही एक हफ्ता पहले की है और डायरेक्ट अभी आप आए हैं प्रार्थना के लिए, आपने प्रार्थना ही एक महीना पहले की थी और अभी आप आए हैं प्रार्थना के लिए, तो परमेश्वर याद किसकी दिलाएगा? परमेश्वर के सामने कौन सी बातें याद आएंगी कि हाँ ये कभी 25 दिसंबर को आया था प्रार्थना में, ये 25 दिसंबर को आता है बराबर प्रार्थना में, उसके बाद नहीं आया था, बाद में कब आया? हाँ गुड फ्राइडे था ना, तब दिखा था, किसी बीच में बैठा था, ये प्रार्थना कर रहा था, बाकी कब आया था? हाँ इसको कुछ तकलीफ थी तब ये आया था प्रार्थना में। क्या परमेश्वर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर को ये आपको याद दिलाए कि तुम, परमेश्वर को भी प्रेशर लगे कि आप कब आए थे, ढूंढना पड़े कि अरे तुम कब आए थे, गए साल में 25 दिसंबर को आए थे, गए साल में वो जो गुड फ्राइडे था या ईस्टर डे था तब आए थे, हाँ उस दिन तुमको पेट में तकलीफ थी ना, बराबर आए थे तुम, टाइम पे आए थे, टाइम पे। बहुत से लोगों का ऐसा होता है जब तकलीफ होती है टाइम पे प्रार्थना में पहुँचते हैं, उनको मालूम है बराबरी से प्रार्थना लेना है, बराबरी से लेंगे तो चंगे हो जाएंगे। लेकिन आप परमेश्वर से नहीं खेल सकते, परमेश्वर तो अपने आप में बहुत बड़ा है। आप बोलेंगे कि ये जो है वो 18 साल से वो औरत है, उसको तो कुछ काम नहीं होगा इसलिए वो लगातार आती होगी, तो मैंने आपको वो कुरनेलियस को बताया, ये भी आपको नहीं जम रहा है। तो बाइबल में एक और बहुत बड़ा आदमी है, उसका भी लिखा हुआ है, दानियल नाम का। ये दानियल जो इंसान था पुराने नियम का, वो तो अपने देश का गृहमंत्री था। अभी आप बोलेंगे कि काम का कुछ है, उसका काम कुछ अलग होगा, हमारा काम कुछ अलग है, ऐसा है वैसा है, आप कुछ बोलेंगे। क्या आप गृहमंत्री से ज़्यादा बड़े हैं? क्या गृहमंत्री के कंधों पर जो जिम्मेदारियां होती है, क्या उससे ज़्यादा आपकी कंधों पर जिम्मेदारियां है? क्या नहीं है? तो दानियल एक तरीके से वो गृहमंत्री था उस जमाने का, उस प्रांत का, और ऐसा होने के बावजूद भी दिन में 3 टाइम प्रार्थना के लिए जाता था। तो सोचो उसकी लगातारी कितनी थी, दिन में 3 बार वो प्रार्थना के लिए जाता था। और उसके प्रार्थना के द्वारा एक बार ऐसा भी हुआ कि उसके विरोध में कुछ षड्यंत्र रचा गया और उसको भूखी शेरों की मांद में डाला गया। उसके विरोध में कुछ षड्यंत्र रचा गया, भूखी शेरों की मांद में डाला गया और जो उसके विरोधी थे उसको ऐसे लगा कि अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर से प्यार रखता है और लगातार में बना रहता है, उसके ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर का हाथ होता है। जिस राजा के सामने षड्यंत्र रचकर उसको, इसके विरोध में ये फरमान निकाला गया कि उसको भूखे शेरों की मांद में डाला जाए, तो विरोधियों को लगा कि अभी ये तो खत्म हो गया, अभी सब कुछ हमारे हाथ में,
ये तो खत्म हो गया, सब कुछ हमारे हाथ में। राजा अस्त व्यस्त था क्योंकि वो उसके लिए अच्छा जन था। पूरी रात वो शेरों की मांद में रहा। राजा अगले दिन उसके शेरों की मांद के पास जाता है, पुकारता है, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है उसने तुझे बचाएगा, तू जीवित है क्या? तो बाइबल ये बताती है कि अंदर से दानियल आवाज़ देता है कि हाँ, जिसकी मैं आराधना करता हूँ उसने मुझे बचाए रखा है। तो ये ऐसे अनुभव ऐसे ही नहीं आते, ऐसे ये जो ऐसे अनुभव है वो ऐसे ही नहीं आते। कभी कभार मूड हो गया, कभी बाइबल पढ़ा था, वो जब मूड हो गया था ना तब मैं पढ़ा था, वो जब मेरे को जब तकलीफ हुई थी ना तब मैं प्रार्थना किया था, वो जब 25 दिसंबर बहुत बड़ा दिन था तब मैं गया था। बहुत तेरे लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसे दिन में जाएंगे तो प्रार्थना तो आशीष उतरेगी, बाकी के दिन में जाएंगे तो परमेश्वर काम नहीं करता। नहीं, परमेश्वर कल आज और युगन युग एक सरीखा परमेश्वर है। इसलिए कभी परमेश्वर के कामों के प्रति, परमेश्वर की आराधना के प्रति या परमेश्वर के प्रति कोई विकल्प नहीं देना। अपने कामों के लिए विकल्प रखेंगे चलेगा, लेकिन परमेश्वर के कामों के लिए या परमेश्वर के लिए कभी विकल्प नहीं देना। यह 18 साल से बीमारी से पीड़ित औरत 18 साल से लगातारी में आई, उसने कभी परमेश्वर को विकल्प नहीं दिया, ये ऐसा नहीं है ना तो मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा नहीं है ना मैं वैसा कर दूंगी। नहीं, विकल्प नहीं देना, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि जबकि यीशु मसीह लाजरस के घर में था तब उसकी दो बहनें मार्था और मरिया उसके उस घर में मौजूद थी। यीशु मसीह जब उस घर में मौजूद था तो बाइबल ये बताती है कि मार्था घर में काम कर रही थी और जो दूसरी बहन है मरिया वो यीशु मसीह के पैरों के पास बैठकर यीशु मसीह का सुन रही थी। और ऐसा हुआ था कि उसका घर में बहुत काम था, शायद यीशु मसीह के लिए खाना बनाना होगा या शायद कुछ कपड़े धोने होंगे, कुछ ना कुछ होता होगा। यीशु मसीह ईश्वर की बातें बता रहे हैं, वो मरियम सुन रही है, लेकिन मार्था क्या कर रही है, काम पड़े हैं, उसका काम में चालू है, काम कर रही है, काम कर रही है, लेकिन मरियम टस से मस नहीं हुई, मरियम सुन रही है, काम क्या होते रहेंगे। उसने कामों को विकल्प दिया, ना कि यीशु मसीह को। परमेश्वर ने जो उसके लिए समय नियुक्त किया है उस समय को उसने विकल्प नहीं दिया, लेकिन उसने काम को विकल्प दिया कि बाद में हो जाएगा। लेकिन मार्था का ऐसा नहीं था, पहला काम करो, पहला काम करो। हो सकता है वो बर्तन भी पटक रही होगी, बर्तन मांजते समय पटक रही होगी कि मरियम सुने तो मरियम को पता चले कि मैं अंदर काम कर रही हूँ, तो यीशु मसीह के कदमों से वो उठ जाए और मेरे लिए मदद करने आए। लेकिन वो हटी ही नहीं, वो ऐसे ही सुनती रही। बाद में उसको लगा कि मैं बर्तन पटक रही हूँ, यहाँ वहाँ ठोक ठाक रही हूँ, फिर भी नहीं सुन रही है। तो आई यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह से कहने लगी कि प्रभु इसको कुछ बोलो, मैं तो काम कर रही हूँ, इसको कुछ पड़ा ही नहीं है, मैं सब सारे कामों का बोझा मेरे अकेले के ऊपर ही पड़ा है। तो यीशु मसीह कहता है, मार्था मार्था तू हर एक बात के विषय में चिंता करती है। मनुष्य के लिए केवल एक ही बात की चिंता है और इसने ये जो वाटा है वो नियुक्त किया है, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसका मतलब यह है कि आप कामों को विकल्प दे सकते हैं, यीशु मसीह ने जो आपके लिए समय दिया है उसके लिए विकल्प नहीं देना। उसने कामों को आज ये काम है, हाँ ये हो सकता है, ये कल के लिए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जो समय नियुक्त किया है या आप जो व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना के लिए बैठते हैं, जब प्रार्थना का समय आता है, आपकी कोई भी प्रार्थना हो सकती है, आप शाम को बैठते होंगे, सुबह को बैठते होंगे, तो ये होता ही होता है कि प्रार्थना का समय आता है तो शरीर अपने आप बोल उठता है कि अभी नहीं प्रार्थना करना, कल देखेंगे, अभी नहीं प्रार्थना करना, कल देखेंगे, आज बहुत काम हो गया है, आज ऐसा न वैसा ये को वो बोलता रहता है, लेकिन सुनना नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए उसको बाजू में रखकर आप घुटने टेको और प्रार्थना करो तो लगातार का उत्तर बना रहेगा। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो लगातारी के द्वारा आ सकता है, इसलिए आप लगातारी में बने रहें। जैसा आपको लग सकता है, जैसा आप लगा बाइबल पढ़ना रोज रखना, प्रार्थना करना रोज रखना, जैसा आप प्रार्थना में जो परमेश्वर ने आपको दिन नियुक्त करके दिया है उस समय में आप प्रार्थना के लिए आते रहना, ऐसे आप अपनी लगातारी को बनाए रखेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ ऐसा अद्भुत करेगा जो औरों के लिए नहीं करता। उस उपदेश जब दे रहा था यीशु मसीह, बहुत से लोग सुन रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसी औरत को बुलाया। क्यों? क्योंकि वो लगातारी में है, क्योंकि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बैकअप है, उसके जीवन में बहुत बड़ी प्रार्थना की या अपने प्यार दर्शाने की बहुत बड़ी भूमिका है। उसी दौरान जब कुर्नेलियुस की हमने बात कही वो भी लगातारी में था, दानियल की बात कही वो भी लगातारी में था। अपनी लगातारी को परमेश्वर में बनाए रखे, आप अपनी लगातारी को परमेश्वर के सामने बयां करें कि मैं लगातारी में हूँ, नहीं तो कभी कभार आप आएंगे और बाद में परमेश्वर से कहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये लगातारी बनाकर परमेश्वर के राज्य से ज्यादा आशीष भाई इसलिए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आणि आता प्रार्थना करण्याची वेळ आहे। प्रभु येशू म्हणाला, माझ्या नावाने तुम्ही पित्याजवळ जे काही मागाल ते तुम्हाला परमेश्वराच्या गौरवाकरिता देण्यात येईल। होय, त्याचं वचन हेच सत्य आहे, त्याचं वचन तो पूर्ण करणं जाणतो, तो आपल्या वचनांना पूर्ण करण्याचं सामर्थ्य बाळगतो। म्हणून
त्याच्या वचनावर त्याच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवून आपण सर्व मिळून प्रार्थना करत आहोत। म्हणून तुमच्या ज्या भागाला आजार आहे त्या भागावर हात ठेवा, तिथे हात ठेवणे शक्य नसेल तर आपल्या छातीवर हात ठेवा। तुमच्या जीवनातील आणि शरीरातील प्रत्येक दुःख, संकट आणि आजार प्रभु येशूच्या पवित्र नावाने या क्षणाला नष्ट होत। तुमच्या जीवनातील बंधन आणि श्राप प्रभु येशूने वाहिलेल्या त्याच्या पवित्र रक्ताद्वारे या क्षणाला तुटून जाऊत। तुमच्या जीवनातील समस्या आणि सैतानाचा भयावह अंधार प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या दिव्य आणि पवित्र प्रकाशामध्ये पूर्णपणे नष्ट होत। तुमच्यावर, तुमच्या कुटुंबावर प्रभु येशू ख्रिस्ताचे महान आशीर्वाद येऊ। आमेन।